नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। दोपहर दमदार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष का आज ऐलान हो सकता है। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र पहुंचे हुए हैं। पीसीसी कमलनाथ बैठक में मौजूद नहीं है। छिंदवाड़ा दौरे पर है कमलनाथ। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर है। नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी, उनका कहना है। रणदीप सुरजेवाला भंवर जितेंद्र सिंह विधायकों से वन टू वन चर्चा करेंगे। 66 विधायकों को बोला गया है मौजूद रहने के लिए और 66 विधायकों से वन टू वन रणदीप सुरजेवाला मीटिंग करेंगे। भंवर सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे, जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वन टू वन चर्चा बेहद अहम हो जाएगी। आज नेता प्रतिपक्ष को लेकर बातचीत होगी। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी निर्णय नहीं लिया गया है नाम को लेकर। अभी आज चर्चा। वासु चौरे हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। वासु, आज नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यालय में वो बड़ी बैठक शुरू हो गई है जिसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह जो स्क्रीनिंग समिति के चेयरमैन थे वो इस पूरी बैठक को ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद है, हालांकि कमलनाथ बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं सामने आपको जो हॉल नजर आ रहा है, राजीव गांधी ये सभागार है, इसी हॉल के अंदर कांग्रेस की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम के जो चेहरे हैं वो तय कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस कब अपना लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम का ऐलान करती है वो देखने वाली बात होगी। और संभवतः ये माना जा रहा है कि इस पूरी बैठक में जो तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है उसमें एक महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यानी कि नेता प्रतिपक्ष है उसके नाम पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा जो लोकसभा के मध्यप्रदेश में इलेक्शन होने हैं, पूरे विधायकों को आमंत्रित किया गया, 66 विधायकों को बोला गया कि मौजूद रहना है। क्या 66 विधायक पूरे मौजूद हैं या अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है विधायकों का? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस के 66 विधायक 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए, उन सभी को बैठक में बुलाया गया और पार्टी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे कि अनिवार्य रूप से सभी को उपस्थित रहना है। और लगातार हमने देखा कि बहुत सारे जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए, और लगातार कुछ विधायकों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहां जारी है। इसके अलावा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव नहीं भी जीत पाए वो भी इस पूरी बैठक में पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि रणनीति जो है वो आने वाले समय के लिए तैयार करने का जो काम है वो करना है। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहां पर ही तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद बैठक में शामिल होने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद से बैठकों का, मंथनों का जो दौर है वो जारी है। परिणाम आने के बाद एक बैठक हुई जिसमें सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया, उसके बाद कमलनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते हैं और आलाकमान को पूरे चुनाव का जो फीडबैक है वो देने का काम जो है वो किया जाता है। और इसके बाद अब प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भोपाल आए हैं और भोपाल में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो ले रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये मंथन का दौर तो है ही, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा था उसे सुधारा जाए और लोकसभा के चुनावों में कुछ बेहतर करके दिखाया जाए। और यही वजह है कि तमाम रणनीतिकार जो है वो जुटे और रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में एग्रेसिव कैंपेन चले और बीजेपी की जो नई सरकार है उसे कैसे घेरा जाए और कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, और देखिए बहुत जरूरी है ये मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ यहां पर यूनिटी भी देखने की कोशिश होगी कि आखिर विधायकों में सामंजस्य कितना बना हुआ है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोकसभा सचिवालय ने इस पर कार्रवाई की है, 8 लोगों को इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसमें सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। बहुत बड़ा सवाल कि इन लोगों के पास पास कहां से आया और किस तरीके से इन्होंने एंट्री मारी,
ये अपने आप में बड़ी बात है और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बीते दिन देखा गया। संसद की सुरक्षा में चूक और इस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 8 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, लोकसभा सचिवालय ने इसमें कार्रवाई की है। तो आप देखिए वो वीडियो जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इतने बड़े जगह कैसे बाहरी लोगों की एंट्री हो गई। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में कल जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी ने उसकी निंदा की। लोकसभा स्पीकर ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए मामले की पूरी जांच के आदेश दिए। भविष्य में सारे सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनको भी हम पास देते हैं वो ऐसे लोगों को पास न दें जो ऐसी अराजक स्थिति पैदा कर दें। ये सत्ता के साथ ही विपक्ष के सांसदों के लिए भी जरूरी है। उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वह पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। सौम्या चौरसिया का सुप्रीम कोर्ट से, आपको बता दें कि राहत नहीं मिली है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोल लेवी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था भूपेश बघेल की उप सचिव थी सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया को ईडी ने 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाला में गिरफ्तार किया है। कोयला ट्रांसपोर्ट पर 25 रुपए प्रति टन लेवी लेने का आरोप है। सूर्यकांत तिवारी बताया गया है मामले का किंग पिन और लेवी वसूलने के लिए नियमों को बदला गया है। तो अब सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उन्हें राहत नहीं मिली है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, बल्कि 1,00,000 का जुर्माना भी लगा है। 25 रुपए प्रति टन लेवी लेने का इन पर आरोप है। क्या क्या आरोप है ये भी आपको बता देते हैं। लेवी वसूलने के लिए नियम अब बदल दिए गए, उससे पहले भी इन्होंने बदले। भूपेश बघेल की उप सचिव थी सौम्या चौरसिया, जिन पर इतने बड़े घोटाले का आरोप है। और अब खबर भोपाल से, जहां 18 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 18 से 21 दिसंबर तक विशेष सत्र होगा। नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले शपथ दिलाएंगे और उसके बाद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। यह है वो विधानसभा जहां आने की लड़ाई हर कोई लड़ रहा था और फिर नतीजे भी आ गए, सरकार बन गई बीजेपी की और अब शपथ ग्रहण की बारी। विधायकों को, नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे गोपाल भार्गव, जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं, और ये सुनिश्चित करेंगे कि सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र,
विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले नव निर्वाचित विधायकों को गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। क्या कितना अहम होगा इस बार का सत्र? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली थी और जो डिप्टी सीएम जगदीश डेढ़ा और राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ली थी। अब उसके बाद आज गोपाल भार्गव जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं उन्होंने शपथ ले ली है। अब देखिए हम खड़े हैं यहाँ पर, जो नए विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर, हम उनके बंगले पर ही खड़े हैं यहाँ पर और आपको नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर ही स्पीकर बनेंगे, तो जो 18 से 21 का जो विशेष सत्र चलेगा उस दिन नरेंद्र सिंह तोमर शपथ लेंगे और उस दिन शपथ के साथ ही हम कोशिश करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब देखिए, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि 18 से 21 को जो विशेष सत्र चलेगा उसमें प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे गोपाल भार्गव 230 निर्वाचित विधायकों को, और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर नए स्पीकर चुने जाएंगे, तो वो पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो 18 से 21 का सत्र बहुत ही विशेष है और उसके पहले ये भी माना जा रहा है कि जो 18 से 21 के बीच जो विधायक शपथ लेंगे उसके पहले हो सकता है कि नया मध्यप्रदेश सरकार का नया मंत्रिमंडल भी गठित हो जाए, जो 20 से 21 विधायकों को जो मंत्री बनाया जाना उनके नाम भी तय हो जाए। तो 18 से 21 का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे सभी 230 निर्वाचित विधायकों को और उसके बाद ये 4 दिन के सत्र में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस विशेष सत्र में 2024 के पहले क्या कोई विशेष प्रस्ताव भी रखा जा सकता है सदन में? देखिए अभी सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि जो नव निर्वाचित विधायक है उन्हें शपथ दिलाई जाए, तो शपथ दिलाने के बाद अब ये नई सरकार तय करेगी कि किस तरीके से उन्हें कौन कौन से एजेंडे लाना है या किस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगाना है। हो सकता है कि कोई कैबिनेट का भी गठन हो जाएगा तो कुछ ऐसे नए प्रस्ताव लाए जाएं जो कि मध्यप्रदेश सरकार के हित में हो, जैसे कि कुछ बड़ी योजनाओं को लेकर भी लगातार जो चुनाव घोषणा पत्र में शामिल हुई है, जैसे कि तेंदुपत्ता संग्राह के लिए कल सीएम मोहन यादव ने सबसे पहला आदेश जारी किया था जो चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया था, तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल का कल उसकी ऐलान कर दिया। अब इसको विधिवत विधानसभा के सत्र में इनकी मंजूरी दी जाएगी, तो इस तरह के कई बिल लाए जा सकते हैं विधानसभा सत्र में, लेकिन अभी वो बिल क्या होंगे और किस तरह का एजेंडा अभी ये कुछ भी अभी साफ नहीं है। सबसे पहले विधायक शपथ होगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नव निर्वाचित जो विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम सबसे पहले दिन किया जाएगा और गोपाल भार्गव जो प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले चुके हैं वो तमाम नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्योपुर की। सुबह से ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में अव्यवस्था की स्थिति, नसबंदी शिविर में बेड के इंतजाम नहीं है, फर्श पर महिलाएं लिटा दी गई हैं, 50 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ लेकिन पूरे अस्पताल में सिर्फ 5 बेड है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर शिवपुरी से जहां अस्पताल की शर्म सार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, घायल युवक को ना कंबल मिला और ना बिस्तर, घायल को जमीन पर छोड़ दिया गया, प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है, जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। इंदौर से खबर जहां नामी होटल पर कार्रवाई की गई है और खुले में कचरा फेंकने पर 20,000 का फाइन स्पॉट किया गया है, खुले में कचरा फेंक रहा था होटल जिसके बाद नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, नंबर 1 शहर, और इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए निगम काफी एक्टिव है। नामी होटल पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है, फाइन लगाया गया है खुले में कचरा फेंकने की वजह से। बलरामपुर में 1200 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया गया, उत्तर प्रदेश से चावल लाया गया था, एफसीआई गोदाम में चावल पहुंचाने का लक्ष्य था,
पुलिस ने विराट राइस मिल से जब्त किया है। वाट्रफ नगर एसडीएम ने ये कार्रवाई की है। गरियाबंद से भी खबर, जहां 40 बोरी धान जब्त किया गया, पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त किया है। ओडिशा से ये धान लाया जा रहा था। पुलिस ने 18 चेकपोस्ट बनाए हैं। देवभोग थाना क्षेत्र का यह मामला, और अवैध तरीके से धान को लाया जा रहा था, ओडिशा से लाया जा रहा था और छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। 40 बोरी धान को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त किया और 18 चेकपोस्ट क्योंकि बनाए गए हैं चेकिंग के लिए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। के परिवहन करते हुए मेरे द्वारा आज के दौरे में मैं आया था बिरीघाट चेक पोस्ट में, तो वहाँ से बिक्की सिंधी का एक पिकअप में 40 कट्टे बोरा का धान का अवैध परिवहन करते पाया गया, जिसका कार्रवाई करके थाने में हम लोग वहाँ भेजकर पावती लेंगे। सूरजपुर से खबर, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर जारी है। 3 अवैध मकान को ध्वस्त किया गया है। पुलिस और राजस्व की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की है और ऐसे में प्रगति नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा, बुलडोजर चला है और एक संदेश है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। प्रगति नगर में भी 3 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नशे की टैबलेट बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 705 नग नशीली टैबलेट भी जब्त की गई है उसके पास से। भिलाई और खुर्सीपार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशा कारोबार पर एक्शन लगातार जारी है और खुर्सीपार पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ये वो टैबलेट है नशे के, जिनकी तस्करी ये करता था, बेचता था। नशे की टैबलेट बेचने के बाद पैसे कमाता था, लेकिन इन टैबलेट्स को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर 210 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर कार्रवाई की गई है। करचा बैरियर पर धान जब्त हुआ है। राजस्व अधिकारी ने निर्देश दिया था, अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई लगातार जारी है। बिलासपुर में कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया। दिव्यांग छात्रों के स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान छात्रों से उनकी समस्याओं को भी सुने और छात्रों ने कलेक्टर से खाने की गुणवत्ता, स्कूल में गंदगी की समस्या के बारे में बताया। कलेक्टर ने अधीक्षक को हटा दिया है। ब्रेल प्रेस तिफरा के उप नियंत्रक हरीश सक्सेना को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो जब छात्र परेशान थे और कलेक्टर यहां पर जैसे ही पहुंचे, छात्रों ने उनसे मिलकर उनसे बात की, शिकायत की, खाने की गुणवत्ता के बारे में बताया और गंदगी के बारे में भी जानकारी दी कि गंदगी से वो परेशान है, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की गई और अधीक्षक को कलेक्टर ने हटा दिया है। ये खबर देखिए ही नहीं बल्कि चौकन्ना हो जाइए। सीसीटीवी में कैद हुआ है शैतान अंकल। जिस बैड अंकल की नजर उस मासूम गुड़िया पर थी, आरोपी ने फूल तोड़ने के बहाने बच्ची को पास बुलाया
और फिर जो हुआ वो शर्मसार कर देता है। बैड अंकल का ये बैड टच सवाल कर रहा है, आखिर कहां महफूज है लाडलियां। सुनसान गली में आया हैवान, तीसरी आंख में कैद घिनौनी करतूत, मासूम गुड़िया के साथ गंदी बात, शैतान अंकल का बैड टच, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। साइकिल वाला शैतान अंकल, ये सीसीटीवी फुटेज जिसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में कैद उस घिनौनी हरकत के बारे में बताना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी शैतान अंकल की नजर किसी मासूम गुड़िया पर हो। इस सीसीटीवी फुटेज की पहली और आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है और आखिरी तस्वीर में यही आदमी साइकिल पर जाते हुए दिखाई देता है। इस बीच जो हुआ वो तस्वीरें शर्मसार कर देती है। साइकिल पर आया ये शख्स बच्ची से कुछ पूछता है। मासूम गुड़िया को ये नहीं पता इस शैतान अंकल के दिमाग की गंदगी के बारे में, जो बच्ची को फूल तोड़ने को कहता है। उसके बाद बातों में उलझाता है, बच्ची को गोद में उठा लेता है और फिर जो हरकत करता है वो किसी का भी खून खोला दे। यहीं के क्षेत्रवासियों के द्वारा एक रिपोर्ट लेकर कराई थी, जिसमें एक बच्चे के साथ में एक व्यक्ति द्वारा जो है गलत हरकत की गई थी, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पे पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। खंडवा से झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। गंदी हरकत करने वाला ये साइकिल वाला शैतान अंकल आखिर कौन है? बच्ची ने घर वालों को इस बैड अंकल के बैड टच के बारे में बताया। ये सुनकर बच्ची के घर वालों की होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मामला थाने पहुंचा। क्योंकि मामला काफी गंभीर था तो हमने उस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल आरोपी को रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो चूंकि गंभीरता के कारण जो है मेरी टीम के द्वारा जो है एक आरोपी को हमने चिन्हित करके पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वाले इस आरोपी की तलाश कर रहे थे और फिर दबोचा गया आरोपी नागेश उर्फ नागिया, अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है ये आरोपी, जिसका नाम नागेश उर्फ नागिया है, जो कि अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। क्या इससे पहले भी किसी मासूम बच्ची के साथ इसने गंदी हरकत की? जांच जारी है। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। मुरैना में एटीएम से हुई